इंडियन टाइम्स डेली डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। इंडिया के यूएस एम्बेसडर कैनेट जस्टर ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया सहारा बन सकता है। जस्टर ने कहा है यूएस और इंडिया सिर्फ अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे हैं पर वो पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए भी काम कर रहे हैं। 8वें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप 3 सेशंस में बात करेंगी। इस साल के थीम यूएस और इंडियन गवर्नमेंट के वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करने और उनके कम्युनिटीज और देशों को कामयाब बनाने के प्रिंसिपल को सिद्ध करना है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वुमेन लीडर्स के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव चालू किया है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को बढ़ावा दिया जा सके। प्रेसिडेंट निशा बिस्वाल ने कहा है कि यूएस इंडिया कमर्शियल कॉरिडोर इनोवेशन की वजह से चल रहा है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस उद्योग के केंद्र हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर इन्फोसिस अगले 5 सालों में रॉट आइलैंड से 500 अमेरिकन को हायर करेगा। रॉट आइलैंड से हायर करना उस घोषणा का हिस्सा है जिसमें कंपनी ने कहा था कि वह 10,000 अमेरिकन को नौकरी देंगे पूरे यूएस में नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए 4 ऐसे हब्स बनाकर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट इमैनुअल मैक्रॉन से फोन पर बात की है सीरियन सिचुएशन और दूसरे मामलों को लेकर। दोनों लीडर्स ने ये माना है कि यूएन का जिनीवा वाला प्रोसेस एक इकलौता तरीका है सीरिया में पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करने का। फेडरल रिजर्व के हेड के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनी जेरोम पॉवेल उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक मॉनिटरी टाइटनिंग चालू रखे और फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटरी बर्डन्स को आसान रखे। पॉवेल ने कहा है अगर सेनेट ने मंजूर कर दिया तो वह इकोनॉमी को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार है। पनामा के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के ओनर्स इस 70 मंजिले बिल्डिंग से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाम हटाने के लिए काम कर रहे हैं और वह ट्रंप के परिवार के कंपनी जो कि होटल का मैनेजमेंट संभालता है को भी निकाल रहे हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इस होटल को चलाने के लिए उनके पास एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इराक में एक नॉन कम्बैट रिलेटेड इंसिडेंट में एक अमेरिकन सोल्जर की मौत हो गई है। पेंटागन ने एक बयान में कहा है कि यह सोल्जर टेक्सास के फोर्ट ब्लिस के फर्स्ट आर्मर डिवीजन में नियुक्त था और बगदाद के ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के लिए काम कर रहा था। रिटेल स्टॉक्स में धीमापन आने की वजह से यूएस स्टॉक मिक्स प्रदर्शन के साथ बंद हुआ। विश्लेषकों ने हाल के सालों में कस्टमर्स के व्यवहार में बदलाव देखा है क्योंकि अब कस्टमर्स डिस्काउंट और मोबाइल की सुविधा की वजह से ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं। नासा 4 दिसंबर को एक सेंसर लॉन्च करने वाला है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास के कचरों को मापा जा सके। एजेंसी ने कहा है शोध से मिली जानकारी से मानव जीवन और महत्वपूर्ण हार्डवेयर पर सौरमंडल के मलबों से मंडराते खतरों को कम किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉग ऑन रहे क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।